देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोताही का मामला लगातार गरमाउंदा जा रहा है, जिसनों लैके जिथे इस मामले की गंभीरता दे नाल जांच हो रही है उत्थे ही सियासत भी इस मुद्दे ते खूब गरमाई हुई है अते उन्होंने वक्खो वक्खरे बयान आने शुरू हो गए। हाल ही विच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी बयान सामने आया। उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के विच हुई कोताही नूं लैके इसकी सख्त शब्दों के विच निखेधी की, इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि जो यह सब कुछ होया यह एक मूर्खता भरा काम आ। उन्होंने कहा कि अजिहा नहीं होना चाहिए सी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री हुंदा है, उसकी सुरक्षा यकीनी बनानी चाहिए। इस दे नाल ही मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं बरखास्त किया जाना चाहिए, ते नाल ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन भी जिहड़ा कि लगाना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चोणां तों पहलां राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है, इस तो बाद ही जिहड़ी कि चोणां होणियां चाहीदियां ने, यह मंग जिहड़ी कि मनोहर लाल खट्टर ने की है। सो दस दिए कि लगातार जिहड़ा कि यह फिरोजपुर फेरी का मामला वो गरमाउंदा जा रहा, जिथे इस पूरे मामले की गंभीरता दे नाल जांच हो रही है, जांच की जा रही है, तो जांच की मंग भी हो रही है। उसनों लैके हुण लगातार इस ते सियासतदानां दे वड्डे वड्डे बयान आने शुरू हो गए। मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रपति शासन लागू करन दी जिहड़ी कि मंग की है, ते मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं बरखास्त करन दी भी गल उन्होंने कही है। उन्होंने कहना है कि जो यह कोताही हुई है इसकी मैं सख्त शब्दों के विच निंदा करदा, अते अजिही घटना जिहड़ी कि नहीं होनी चाहिए सी। देश यानी नववर्ष के शुरू होते ही कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ है जिसकी ज़रूर मैं चर्चा सबसे पहले करना चाहूँगा। और जो महत्वपूर्ण एक घटना जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूँ 5 जनवरी का है, आज से 2 दिन पहले का, कि देश के हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के शासकीय मुखिया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से पंजाब में जो एक कार्यक्रम के अंदर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा की है और उसमें अवरोध पैदा भी हुआ है, किसी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का किसी एक राज्य में इस प्रकार से अवरोध पैदा किया जाए तो ये निंदनीय है। इसको किसी भी सूरत में स्वीकार करना मैं कहता हूँ मूर्खता होगी, तो इसलिए इसकी निंदा के साथ साथ मैंने तो पंजाब में जो वर्तमान सरकार है उसको बर्खास्त करने की अपील भी की है और राष्ट्रपति शासन लगा करके ही और वहाँ के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि चुनाव में आखिर सब पार्टियों के बड़े नेता भी आएंगे। देश के प्रधानमंत्री योगी ने स्वयं कहा है कि इस कार्यक्रम को मैं पोस्टपोन करता हूँ और इसमें दोबारा से कार्यक्रम करने के लिए ज़रूर आऊँगा, तो कोई भरोसा ऐसा नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था वो पुनः बहाल कर पाएंगे, तो इसलिए इसकी मैं निंदा करता हूं। और ये जो षडंतकारी जो घटनाक्रम किया गया वहां पर, इस को किसी भी तरीके से कोई भी देश और दुनिया का कोई भी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला नेता ये स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि आज तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ये प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इन्होंने देश के अंदर जितनी पुरानी पुरानी समस्याएं थी, जितने ऐसे विषय थे जिनके ऊपर शायद प्रधानमंत्री जो पहले के रहे हैं उन्होंने हाथ लगाना भी स्वीकार नहीं किया होगा, उनको इन्होंने हल किया। यानी उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर के 370 के ऊपर कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था, कितना बड़ा एक निर्णय लेकर के और 370 को निष्प्रभावी किया। राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे को जो यानी हजारों वर्ष का एक विवाद का विषय, कितनी उस पर लड़ाइयाँ भी हुई और देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा बड़ा ही यानी विषय का निर्णय उन्होंने करके दिखाया और बहुत शांतिप्रिय तरीके से कोई भी यानी किसी की क्रोच भी नहीं आई है, तो राम मंदिर के निर्माण का रास्ता सुनिश्चित किया। इसी प्रकार जो यानी एक प्रकार से देश के प्रति प्रेम रखने वाले जो लोग हैं उनके साथ जो विदेशी लोगों का आवागमन होकर के और उसमें व्यवधान डालने की या जो देशद्रोही गतिविधियां करने के लिए जो प्रेरित करते थे उनको रोकने के लिए भी CCA का जो एक्ट बनाया, और भले उसका कुछ विरोध भी हुआ हो लेकिन उसको राष्ट्रभक्त नागरिक
हमेशा उसको पसंद करता है कि हाँ ऐसे सब जो काम जो राष्ट्र के हित में हैं ऐसे उन्होंने किए हैं। सो हूँ देखना होगा कि इस मामले ते सब दी नज़र टिकी हुई ने अते उन्हां दी नज़र है कि आखिर इस मामले दे विच जो जांच की जा रही है उस जांच दे विच की सच निकल के सामने आउंदा, जो कि जांच लगातार की जा रही है ते जांच जदों खत्म हो जाएगी उस तो बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी, उस रिपोर्ट दे विच ही खुलासा होगा कि आखिर किहड़े कारण रहे जिस करके ये फेरी जिहड़ी कि रद्द की गई, क्योंकि लगातार इल्जाम यह लग रहे हैं कि उन्होंने सुरक्षा के विच कमी सी, जिस करके पीएम मोदी के वलों भी राष्ट्रपति के नाल मुलाकात की गई सी, इससे जड़ कि राष्ट्रपति भी काफ़ी चिंतित नज़र आए और लगातार यह मामला गरमाउंदा जा रहा, जांच लगातार जा रही है और देखना होगा कि आने वाले समय के इस मामले के की सच निकल के सामने आता। कैमरामैन जॉनसन के नाल रीना धीमान की रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन पर क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार.com कानून जायदाद दा।